हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सर्विस से स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल इग्नू सर्विस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियोज मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, चाहे वो किसी नोटिफिकेशन की हो, सॉल्व असाइनमेंट की हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इग्नू की मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज 8 फरवरी 2021 है, आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं फरवरी में, आज से जिनकी भी स्टार्ट हो रही है एग्जाम, उन सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इग्नू सर्विस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम अच्छे से दें और अपना पूरा प्रयास करें कि अच्छे मार्क्स स्कोर करें अपने एग्जाम में, और पूरा एकदम लाइट आराम से रिलैक्स फील होके जाएं, कोई टेंशन नहीं। हो सकता है कि ये एग्जाम में प्रिपरेशन ना हो आपकी, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लें आप। नेक्स्ट एग्जाम आप अपियर हो सकते हैं, एग्जाम छूट भी जाती है तो भी नेक्स्ट एग्जाम अपियर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इग्नू की। बस आराम से रिलैक्स होकर अपने एग्जाम दें और सभी को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप एग्जाम में गलती ना करें उस चीज़ को। जैसे एग्जाम में आप किस तरह की गलती कर सकते हैं, हम बात करेंगे कि एग्जाम में आप किसी तरह की गलती ना करें, तो फिर बात आता है कि एग्जाम में किस तरह की हम गलती करते हैं। दूसरे की आंसर्स कॉपी करते हैं, या फिर ना ही अपने आंसर दूसरों की आंसर हम कॉपी करते हैं, या फिर अपने आंसर किसी दूसरे को दिखाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके आगे क्या होगा, रीजन क्या है, क्या हो सकता है, मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका एग्जाम कैंसिल करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मतलब एग्जाम में आप किसी तरह की गलती ना करें, दूसरे की आंसर कॉपी ना करें और ना ही अपने आंसर दूसरों को कॉपी करने दें। फ्रेंड्स, ये तो ठीक है मैंने कह दिया, पर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, सर ऐसा करने से क्या होगा, उसके बारे में बताता हूँ। आप में UFM लग सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये UFM क्या होता है। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है, ये इग्नू के एग्जाम की ही नहीं है, किसी भी एग्जाम की है, किसी भी एग्जाम में आप किसी दूसरे की कॉपी करते हैं, या आपकी आंसर कोई और कॉपी करता है, या फिर आप किसी तरह का मिसबिहेव करते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, मोबाइल से पकड़ा जाते हैं, या फिर कुछ चीट उट लेके जाते हैं, उससे कॉपी करते हैं, पकड़ा जाते हैं, या फिर इन जो इवेल्यूटर रहते हैं उनको ऐसा डाउट होता है कि नहीं, ये बुक इग्नू की जो बुक है उसी की सेम टू सेम छाप दिया है आंसर में, ये सारे केसेस जो आते हैं अनफेयर मीन्स में आते हैं। अब UFM से क्या होगा, सुनिए क्या होता है। आपका जो आप जिस पेपर में ऐसा किए हैं, आपकी एग्जाम उस पेपर की रिजल्ट हो सकता है डिक्लेयर ना हो। UFM लगता किस में है, जैसे मैंने कहा था ना कि आंसर आप किसी से कॉपी ना करें या किसी को अपने आंसर कॉपी ना करने दें। तो देखिए, एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है कि आप आगे बैठे हैं या आगे पीछे, आपके आगे पीछे कोई और बैठे ही होंगे स्टूडेंट, आप किसी आगे वाले की देखते हैं, तो दोनों कॉपी एक ही इवेल्यूटर के पास जाएगी। इवेल्यूटर को लग जाता है, चेक करते हैं ये बंदा आगे वाले से या पीछे वाले से कॉपी किया है, तो दोनों में से एक को एक पे UFM लगा देता है, क्योंकि वो कंटेंट तो एक ही किसी का होगा। एक पे UFM लग गया, आपने दिखाया हो चाहे आपने लिखा हो, आप में तो UFM लग गया, इसी कारण आपकी जो कॉपी होती है ना वो होल्ड पे रख दी जाती है, उसके रिजल्ट नहीं दी जाती है। बहुत मशक्कत के बाद
हो सके आपके बहुत प्रयास के बाद उस कॉपी के रिजल्ट मिले आपको, बहुत मुश्किल है ये चीज। तो इस बात को आप ध्यान रखें। ये तो हो गया कि आपके एग्जाम के रिजल्ट ना डिक्लेयर हो, ये भी हो सकता है आप पे स्टे लगा दिया जाए कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उसके लिए भी उपाय है, आपको इग्नू तरफ से एक लेटर आएगा कि आप पे UFM केस लगा हुआ है, आप इग्नू हेडक्वार्टर में प्रेजेंट होके अपना माफीनामा दर्ज करें, एक एपोलॉजी लेटर प्रेजेंट करें। यदि आप इग्नू हेडक्वार्टर जाने में असमर्थ हैं तो एक एपोलॉजी लेटर खुद से ही लिख के इग्नू हेडक्वार्टर को, और साथ में जो आपके उधर से लेटर आएगी UFM की, उसको अटैच करके आप भेज सकते हैं। वो बात की बात है, आप ऐसा ना करें। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये चीज भी होता है इग्नू में, बहुत होता है बहुत। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ सब लोगों को कि आप ऐसा ना करें। UFM बहुत ही खराब चीज होती है, इसके चक्कर में मुझे एक बार दिल्ली भी जाना पड़ा था इग्नू हेडक्वार्टर। तो इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ सब लोगों को कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ना ही किसी की आंसर कॉपी करें, और ना अपने आंसर किसी को कॉपी करने दें। हो सकता है आपके आंसर कोई और कॉपी कर रहा हो, परंतु आप में UFM लग गया हो, तो आप उस टाइम बोलेंगे सर इसमें मेरी क्या गलती है, तो आपने दिखाया क्यों उसको, वो लोग यही कहेंगे, इसलिए UFM लग जाता है। तो इस बार को ध्यान रखें, ऐसा यदि आप करते हैं तो हो सकता है जैसा मैंने कहा कि एग्जाम का रिजल्ट ही ना आए आपकी, या फिर आपकी वो रिजल्ट होल्ड पे रख दे, और भी हो सकता है कि आपको डिवाइड कर दिया जाए कि आप 6 महीना साल भर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, मुश्किल है। इसलिए इन सब चीजों से बचें, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जैसा कि मैंने कहा इससे जो को इस बारे में गलती ना करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी शेयर करें। इस बात से जरूर सचेत करें सब लोगों को जो भी आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, ये सब ना करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।